फिर से स्वागत है योगेश शर्मा क्लासेस के अंदर। और आज हम अपनी वर्ल्ड 2020 मतलब ईयर 2021 के ग्लोबल मतलब ग्लोबल प्राइजेस को ध्यान में रखते हुए मतलब जो जितने भी प्राइजेस इंडिया ने दिए हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये हमारी इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन रहने आखिरी वीडियो रहने वाला है। इससे पहले हमने नोबेल प्राइज पद्म अवार्ड और पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट भी डाल दिया है। आज हम 20 क्वेश्चन और वो करेंगे और इसी के साथ हम अपनी प्राइजेस वाली सीरीज को खत्म कर देंगे। तो आज के चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव रहना है या आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करनी है तो हम हमारे चैनल योगेश शर्मा क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेशली कोई भी अगर आपका वन डे एग्जाम है लाइक सैनिक स्कूल RMS इनसे अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और GK के अंदर अगर आपको किसी भी एग्जाम में तैयारी करनी है तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलते पहले क्वेश्चन की ओर। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इन हिंदी लैंग्वेज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ये मिला है अनामिका जी को हिंदी के अंदर, हिंदी लैंग्वेज दोस्तों ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर मिला है अनामिका जी को। और जो इंग्लिश के अंदर है वो अरुंधति सुब्रमण्यम जी को दिया गया है, अरुंधति सुब्रमण्यम इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन दी 2021 पुलित्जर अवार्ड। तो पुलित्जर अवार्ड दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुलित्जर अवार्ड जो है वो मतलब बेसिकली रिपोर्टर्स को मिलता है। इस बार जो ये दिया गया ये मेघा राजगोपालन जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन दी 2021 नोबेल प्राइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड नोबेल पुरस्कार। ये इस बार लेस जो लुवास और AB विजडरसन को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन दी 2020 बुकर प्राइज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम से रिलेटेड। ये भी लिटरेचर में दिया जाता है और बुकर प्राइज इस बार डॉगलस स्टुअर्ट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन दी 76th गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नोमैडलैंड को मिला है। अगर फिल्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, अगर किस फिल्म ने जीता तो उसमें आपको नोमैडलैंड करना है, जो कि एक बहुत ही शानदार मूवी है। उसके अंदर जो लोग कोरोना से सफर किए थे उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर इज अवार्डेड विद पद्म विभूषण 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हमने पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस बार पद्म विभूषण से सिंजू आबे को नवाजा गया, उनके ह्यूमन राइट मतलब मानवाधिकार के कामों के लिए उन्हें ये मिला है। और आगे बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इस बार पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को, पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायरेक्टर वॉन दी 2021 बाफ्टा अवार्ड। तो वो मिला है क्लुआ जॉन को, और जिन्होंने नोमैडलैंड, मैंने आपको कहा था नोमैडलैंड से रिलेटेड है, उन्होंने फिल्म डायरेक्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन दी 66th फिल्म फेयर अवार्ड। तो दोस्तों मैं बता दूं, फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो इंडिया का अवार्ड है, और जबकि ये जितने भी अवार्ड थे ये वर्ल्ड मतलब ग्लोबल लेवल पे दिए जाने हैं। तो 66th फिल्म फेयर अवार्ड मिला है इस बार थप्पड़ को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्बम वॉन दी 63rd ग्रेमी अवार्ड। ग्रेमी अवार्ड जो है वो म्यूजिक के अंदर दिया जाता है, एल्बम से पता चल रहा है, मैं आपको बता दूं म्यूजिक के अंदर, ठीक है। तो इस बार एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो वो मिला है फॉल क्लोर को, जिसकी मतलब जो जिसकी रचयिता या फिर कहीं सिंगर कौन है, तो वो टेलर स्विफ्ट है, बहुत ही फेमस गायक है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विच फिल्म वॉन दी 30th ऑस्कर। इस बार किस फिल्म ने 30th ऑस्कर जीता है, तो वो जीता है नोमैडलैंड ने। विच एक्टर वॉन दी बेस्ट एक्टर अवार्ड, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो जीता है एंथनी हॉपकिंस ने उनकी फिल्म फादर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 इज वॉन बाई, मतलब ये इंडिया में ग्लोबल मतलब इंडिया में नेशनल लेवल पर दिया जाता है, तो ये दिया गया है छिछोरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन दी ICC T20 वर्ल्ड कप 2021। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता है, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया। इससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, UAE और ओमान, और इसका आयोजक ऑर्गेनाइजर पूछा जाए तो वो इंडिया माफ कर दिया, ऑर्गेनाइजर पूछा जाए तो वो इंडिया है। पहले ये इंडिया में होने वाला था, पर ड्यू टू सम रीजंस कोरोना क्राइसिस ये UAE ओमान में करा दिया, बट इसका जो ऑर्गेनाइजर था वो इंडिया ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस विनर कौन था न्यूजीलैंड, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, और फाइनल मैच कहाँ खेला गया, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021, इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 किसने जीता, तो जीता है TVS मोटर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय दी स्वच्छता सर्वे 2021 विच कंटिन्यूअसली 5th टाइम बिकम द क्लीनेस्ट सिटी, मतलब किस सिटी ने स्वच्छता सर्वे के अनुसार पांचवी बार लगातार सबसे स्वच्छ सिटी का अवार्ड पाया है, तो वो पाया है इंदौर ने। बढ़ते हैं हमने 36वें क्वेश्चन की ओर, हाउ मेनी प्लेयर्स इन 2021 वाज अवार्डेड विद मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मैं आपको बता दूं, ये पूछ लिया जाएगा कि ध्यानचंद अवार्ड मतलब किस अवार्ड का मतलब बदला हुआ नाम है, मतलब इसका पहले जो अवार्ड नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न, पर राजीव गांधी का दूर दूर तक खेल से कोई संबंध नहीं था, इसलिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड इस साल कर दिया गया है और इस साल ये 12 लोगों को दिया गया है। पहला, मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट चार के बाद माफ करिए चार के नाम बता देता हूं। तो नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड जीता है जैवलिन थ्रो के अंदर, सुनील छेत्री, ये फुटबॉल टीम के कैप्टन है, मनप्रीत सिंह, ये हॉकी के कप्तान है, और मेरा नाम भी मनप्रीत सिंह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताली राज, ये क्रिकेट टीम की हमारी कैप्टन है ओडीआई एंड टेस्ट की, और जबकि हमारी टी20 जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत कौर।